प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव माय लेटेस्ट अपलोड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। जब हम इस टॉपिक को अच्छे से समझते नहीं हैं स्टूडेंट्स, तो हमें टफ लगता है। बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मिनट्स ऑफ मीटिंग होता क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग कैन बी डिफाइंड एज रिटन और रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन दैट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म पीपल ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मीटिंग एंड डिफाइन द नेक्स्ट स्टेप प्लान्ड। हम बात करते हैं कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होती हैं, वो मीटिंग कोई भी फॉर्मल मीटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉल होती हैं, उन मीटिंग के दौरान क्या डिस्कशंस हुए, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज किए गए एंड फिर क्या डिसीजंस लिए गए, इन सब का एक रिकॉर्ड होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स बहुत अहम हिस्सा होती हैं, हमेशा प्री प्लान्ड होती हैं, फॉर्मल होती हैं और किसी न किसी इम्पोर्टेंट एम के लिए वो ऑर्गेनाइज या कंडक्ट की जाती हैं। किसी भी मीटिंग से पहले जो भी मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स होने वाले होते हैं, उनके साथ मीटिंग का एजेंडा शेयर किया जाता है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उनको पता चले कि वो किस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि किसी भी तरीके की वेस्टेज ऑफ टाइम को इग्नोर किया जा सके, बचा जा सके और ईच मिनट और ईच सेकेंड ऑफ द यू नो द मीटिंग शुड बी यूटिलाइज्ड। तो ये तो एक बात हो गई मीटिंग के बारे में। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है? जो भी डिस्कशंस हुए उनका एक डिटेल्ड यू नो नोटेड डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो बाद में उन्हीं मेंबर्स के साथ शेयर किया जाता है जो ऑलरेडी उस मीटिंग का हिस्सा थे। सो दैट इज़ नोन एज मिनट्स ऑफ मीटिंग। सो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, कि जब भी हम किसी भी फॉर्मल मीटिंग का हिस्सा होते हैं तो उस मीटिंग के दौरान जो भी डिस्कशंस हुए उनका जो एक रिकॉर्ड बनाया जाता है रिटन फॉर्मेट में और वो उन सारे लोगों के साथ शेयर किया जाता है, उसको हम मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम ये जान लें कि जब मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने की बारी आती है तो वो कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंक्लूड करनी चाहिए। ये हम जानते हैं, इट्स जस्ट लाइक नोटिस और एजेंडा किस क्या हो जाती है, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द डेट एंड द पर्सन जिसने उसको हेड किया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि उन्होंने जो लोग वहाँ पे थे उनका नाम। एजेंडा यानी कि जो हम बात कर रहे थे उसका टॉपिक क्या था, एम क्या था, ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई थी। डेट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे पर्टिकुलर, यू नो पहले ही मैंने यहाँ पे बात कर दी है कि वो डेट इंक्लूड होगी ज़रूर वहाँ पे। देन हम बात करेंगे कि वो एक्शन या वो काम क्या थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी जो लोगों को दी गई थी और जिनके बारे में बात करनी है या दी जाने वाली हैं। मेन पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा, देन डिसीजंस लिए जाएंगे वहाँ पे और वो डिसीजंस के बारे में मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखा जाएगा। ये एक रिकॉर्डेड फॉर्म में एक पूरा फॉर्मेट रेडी किया जाएगा और इसमें जो है और भी चीज़ें, जो भी फाइल फॉर्मेट अगर किसी ने कुछ सबमिट किया है तो वो सब भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये जो है हमारी सारी चीज़ें होती हैं, एक तरीके से एक रिटन रिकॉर्ड हो जाता है कि उस मीटिंग में एक्चुअली क्या क्या हुआ। अगर जब भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है कि यू आर सपोज टू राइट अ मिनट्स ऑफ मीटिंग, आपको लिखना है, तो आपको कौन से की फीचर्स या की पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने चाहिए कि ये चीज़ें मैं लेके चलता हूँ, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये पांच पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ऐसे उस किसी भी पर्सन के लिए जिसको मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने हैं। सबसे पहले उसे प्री प्लान करना चाहिए, यानी कि आप अपने एजेंडा जो आपके साथ शेयर किया गया है उसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। यू शुड हैव पेन एंड पेपर विद यू, दिमाग अब में आप ये बात रखें दैट यू आर गोइंग टू मेक द मिनट्स ऑफ मीटिंग आफ्टरवर्ड्स। तो दिमाग में जब आपकी प्लानिंग होगी तो आप फोकस्ड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेक रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग देयर, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाइए, आप लिखते जाइए, बिकॉज हर चीज़ आपके दिमाग में नहीं होगी और बाद में अगर आप अपने मेमोरी बेस पे मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाएंगे जो कि बहुत यू नो अच्छी बात नहीं होगी। देन
राइटिंग पार्ट आता है, आप मिनट्स ऑफ मीटिंग को आप ये जो प्री प्लानिंग है ये आपकी जो है मीटिंग के पहले की बात हो जाती है, रिकॉर्ड टेकिंग ये ड्यूरिंग दी मीटिंग होती है, मिनट्स राइटिंग ये मीटिंग के बाद की एक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज मिनट्स राइटिंग यानी जो मिनट्स आपने लिख लिए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दोज पीपल जिन्होंने वो मीटिंग अटेंड की, उनके साथ आप वो जो आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग लिख ली हैं उनको अथॉरिटीज़ को भी सबमिट करेंगे और अपने सारे यू नो कुलीग या फिर जितने मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे उनको सबमिट करेंगे, प्लस आप उसको एक फाइल में डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे भी रखेंगे। सो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जा रहे हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग का एक सैम्पल दिया है, स्लाइड में आपको ये छोटा नज़र आएगा बिकॉज़ अगर मैं इसको कई स्लाइड्स में आगे हाफ अप करके देती तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट के फॉर्म में नज़र नहीं आता। मैं आपको यहाँ पे खुद बता देती हूँ सो दैट आपको समझने में इजी हो जाए। जब भी आप मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखेंगे देयर वुड बी हेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम, देन आपकी डेट आएगी, देन उसके बाद डेट या टाइम दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं आएंगी, देन आपका वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि किसने वो मीटिंग कॉल की है, देन आएंगे वो लोग जिन्होंने मीटिंग अटेंड की है, देन कम्स मिनट्स रिपोर्ट यानी कि उस मीटिंग में क्या क्या बात डिस्कस हुई उसके बारे में। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी और चीज़ें नहीं आती, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेट एंड टाइम, देन द पर्सन हु कॉल्ड द मीटिंग या जिसने भी हेड की उस मीटिंग को, द पीपल दोज हु हैव अटेंडेड द मीटिंग, देन मीटिंग की रिपोर्ट यानी वो जो भी पॉइंट आपको लगते थे इम्पॉर्टेंट उनको आप लिख देंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट से अगर आप 4 पॉइंट भी कोई लिख देते हैं तो भी सफिशिएंट होता है। देन आता है कि ये मीटिंग की रिपोर्ट किसको सबमिट की जा रही है, उनका आप नाम लिख देंगे, कमिटी रिपोर्ट्स या समथिंग लाइक दैट, एंड देन जो भी सबमिट कर रहा है उसका नाम और साइन। सो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है, इसमें कुछ भी ज़्यादा करना नहीं होता और ये एज इट इज़ रेडी हो जाती है। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा टॉपिक, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज़ वेल।